Arvind Kejriwal spoke out minutes back as he came out of the Tihar jail. Let's listen him to what he had to say. अन्ना जी अभी अंदर ही हैं। हमें रामलीला मैदान बिना शर्तों के 15 दिन के लिए दिया गया है और कल पुलिस कमिश्नर साहब ने ये आश्वासन दिया कि अगर हमें 15 दिन के बाद भी जरूरत होगी तो वो 15 दिन के बाद भी उसको एक्सटेंड करेंगे। और अन्ना जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अन्ना जी को अभी जेल के ही डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं और अब वहां पे डॉक्टर त्रिहान की डॉक्टर्स की टीम आएगी जो कि लगातार 24 घंटे उनके स्वास्थ्य पे निगरानी रखेगी। रामलीला मैदान में अभी हमें बताया गया है कि काफी कीचड़ है। अभी अभी मेरी एमसीडी कमिश्नर साहब से बात हुई केएस मेहरा साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके डिप्टी कमिश्नर वहां पे पर्सनली पहुंच रहे हैं और उसको जल्द से जल्द रामलीला मैदान को ठीक करवाया जाएगा। जैसे ही हमें रामलीला मैदान मिलता है वैसे ही हम वहां पे अपना स्टेज और टेंट लगाने की तैयारी करेंगे और एक बार जब रामलीला मैदान तैयार हो जाएगा तभी अन्ना जी यहां से बाहर निकलेंगे और यहां से बाहर निकलकर वो सीधे रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। मनीष भाई, सरकारी डॉक्टर से इलाज चेकअप करवाने में कोई ऐतराज नहीं? तबियत की बात हो रही है। अन्ना जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। कल शाम को जीबी पंत के डॉक्टर्स की एक टीम आई थी। अन्ना जी का ये कहना था कि जब मेरे को प्रिजन के डॉक्टर्स देख रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है, उनकी तबीयत इतनी अच्छी है, उन्होंने कहा मैं अभी तुम्हें 2 किलोमीटर की वॉक करके दिखा देता हूँ।